Hi guys, welcome back to my channel. This is Mousmi and how are you? I think you all are doing well and have a great day. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्विक सा DIY मास्क जो कि आपके सारे हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है. सो लेट्स क्विकली स्टार्टेड द वीडियो. सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ यू न्यू इन माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिसाइड्स बिलो. इट्स टोटली फ्री. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली स्टार्टेड द वीडियो. सो गाइज, इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मेथी के दाने. सो गाइज, मेथी के दाने आपके किचन में आराम से आपको अवेलेबल मिल जाएगा. सो गाइज, मेथी के दाने आपको इस तरीके से ले लेना है और इसको होल नाइट सोख करके रख देना है. सो गाइज, यहाँ पे मेथी के दाने मैंने ले लिए थे 3 बड़े चम्मच और उसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 कप पानी. सो गाइज, इन तीन दोनों को अच्छे से मैंने मिला के पूरे नाइट इसको ऐसे रख दिया और मेथी के दाने आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है. एंड नाउ गाइज, ये जो है बहुत ही अच्छे से गल गया है और ये बिल्कुल रेडी है. एंड नाउ गाइज, यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ और इसको अच्छे से छान लूँगी मैं. और छानने के बाद आप इस पानी को वेस्ट बिल्कुल मत करना. सो गाइज, अगर आपका ये पानी बच जाता है, अगर थोड़ा सा भी बच जाता है तो उसको आप फेंकना मत, क्योंकि इसमें जो है सारे प्रोटीन्स आ गए हैं और इसको आप अपने हेयर में अच्छे से स्प्रे भी कर सकते हो. इस मास्क को अप्लाई करने के बाद भी स्प्रे करके रख सकते हो या फिर इसे नॉर्मली आप इसको फ्रिज में रख सकते हो एंड देन 2 दिन बाद भी इसको अप्लाई कर सकते हो अपने हेयर पे एज अ स्प्रे. तो हेयर स्प्रे आप इसको लगा के 20 मिनट तक छोड़ दो एंड देन शैम्पू कर लोगे ना तो भी ये कंडीशनर की तरह काम करेगा. सो नाउ गाइज, इस पानी को मुझे फेंकना बिल्कुल नहीं है और मुझे इस मेथी के दाने में इस पानी को हल्का हल्का डालना है और इसको अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है. सो गाइज, यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है और आप देख सकते हो बहुत ही थिक सा पेस्ट बन गया है. सो गाइज, मेथी दाने में होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स, दे आर हाई एंड रिच इन प्रोटीन्स. सो गाइज, इसमें रहते हैं निकोटोनिक प्रोटीन्स जो होती हैं वो रहती हैं. एंड गाइज, ये बहुत ही अच्छा है आपके हेयर के लिए. अगर आपके हेयर पे जो है बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, डैंड्रफ होने के बाद क्या होता है, आपके डैंड्रफ होने के बाद स्कैल्प पे आपके बाल टूटने लगते हैं. सो गाइज, ये बाल टूटने को उसी तरीके से रिपेयर करता है, डैंड्रफ कम कर देता है एंड हेयर फॉल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर देता है. सो नाउ गाइज, मैं इस मास्क को बनाने के लिए यहाँ पे मेथी का पेस्ट ले लूँगी एंड देन इसमें 1 मोर थिंग इसमें ऐड करना है आपको, ये कोकोनट ऑयल. सो गाइज, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना. आप यहाँ पर सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो. सरसों का तेल इट्स वेरी नेचुरल एंड बहुत ही अच्छा है आपके हेयर के लिए. एंड जो है मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था और कोकोनट अगर आप लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अभी सर्दियों में कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा होता है आपके हेयर के लिए. आपके स्प्लिट एंड्स को भी काफ़ी अच्छे से रिपेयर करता है, प्लस आपके हेयर को एक नरिश देता है. एंड नाउ गाइज, आपके जो हेयर है ना उसको जो है बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा शाइन देता है, फ्रिजीनेस कम कर देगा. सो नाउ गाइज, इन दोनों मास्क दोनों इन्ग्रीडियंट्स को ऐड करने के बाद इस मास्क की बात ही क्या होगी. इसको आप अगर अपने हेयर में अप्लाई करते हो ना गाइज, आपके सारे हेयर प्रॉब्लम्स दूर हो जाना है. आपका हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर ग्रोथ भी करेगा. ये बहुत ही अच्छा है. आपके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से करेगा. आपको इसको अप्लाई करना है अपने हेयर पे. सो नाउ गाइस, अप्लाई करने से पहले मैं अपने हेयर पे जो है ना थोड़ा सा डिटेंगल कर लूँगी, कॉम कर लेना है आपको, एक भी इसमें नॉट्स नहीं रहने चाहिए. एंड नाउ मैंने अपने हेयर पर थोड़ा सा जो है ऑयल अप्लाई कर लिया एंड नाउ मैं डायरेक्टली इस मास्क को अप्लाई कर लूँगी अपने बालों में. सो गाइस, इसको आपको धीरे धीरे अपने हेयर पे अप्लाई करना है. सो गाइस, आप इससे कोशिश ये करना कि आप अपने हेयर के स्कैल्प पे इसको अप्लाई करना. स्कैल्प से ही सारी प्रॉब्लम्स होती है और इसे हमें स्कैल्प से ही ट्रीट करना चाहिए गाइस, क्योंकि जो मोस्टली सारे मास्क होते हैं उसका जो प्रोटीन होता है वो आपको स्कैल्प पे ही देना है क्योंकि स्कैल्प से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, एंड नाउ गाइस, स्कैल्प पे भी अप्लाई करना और आपको जो है हेयर के टिप्स पे भी अप्लाई करना है, एंड पे जो टिप्स है उस पर अप्लाई करना है क्योंकि वहाँ पे स्प्लिट एंड्स होती है और ये स्प्लिट एंड्स को भी क्योर करता है. सो नाउ गाइज, मैं ऐसे हल्के हल्के आधे बालों में मैंने अप्लाई कर लिया एंड नाउ हाफ हेयर में मैं अप्लाई कर रही हूँ. सो गाइज, आप किसी की हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी है आप खुद ही अप्लाई करो क्योंकि कई बार क्या होता है अप्लाई करने से खुद से कि छूट जाते हैं बाल, तो आपको बिल्कुल जगह कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, पूरे बालों में पूरे हेड पर अच्छे से अप्लाई करना है. एंड इसको आप अप्लाई करो, इसको आपको हफ्ते में 2 बार अप्लाई करना है. अगर आप एक बार अप्लाई करते हो तो भी ओके है, बट अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप जो है इसे 2 बार अप्लाई कर सकते हो हफ्ते में. इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है गाइज, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके बालों को अच्छा ही करने वाला है, ख़राब कुछ नहीं करने वाला. सो आपको इस तरीके से अपने हेयर में अच्छे से अप्लाई करना है इस मास्क को. सो गाइज, एंड नाउ इसको एक जो है आप ऐसे बन बना लो और इसको
एक जो है, अगर आपके पास कोई भी लाइक कैप है, शावर कैप है, उससे भी आप इसको कैप से कवर करके रख सकते हो। सो क्या होगा, आपका फेनुग्रीक सीड जो है वो ड्राई नहीं होगा। वैसे तो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, तो इससे आराम से जो है फेनुग्रीक सीड ईजिली निकल जाएगा जब मैं वॉश करूँगी। सो गाइस, काफ़ी गर्ल्स जो है ये बोलती कि फेनुग्रीक सीड हम लगा तो लेते बट ये निकलता नहीं है, दी क्या करें। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा वाला मतलब ट्रिक है। इसमें आप जब हेयर मास्क को अप्लाई करते हो ना, तो उससे पहले अपने हेयर को अच्छे से ऑयलिंग कर लो, तो इससे क्या होगा आपके हेयर जो है सारे फेनुग्रीक सीड निकल जाएंगे। सो नाउ गाइस, इस मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कैल्प पे ही लगाना है, तो आप देख सकते हो मैं हेड पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, एंड नाउ उसको 30 मिनट्स के लिए अपने हेयर पे छोड़ देना है। सो गाइस, 30 मिनट के बाद आप इसे नॉर्मल माइंड शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लेना, एंड वॉश करने के बाद आपको इसे नॉर्मल एयर पे ही ड्राई करना है, टॉवल से ही ड्राई करना है, आप बिल्कुल ड्रायर यूज़ मत करना गाइस। एंड नाउ आप देख सकते हो मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा शाइनी, हेल्दी एंड बहुत ही फ्रिज फ्री लग रहा है। एंड नाउ गाइस, इसमें मैंने कोई भी सीरम यूज़ नहीं किया है, और सीरम यूज़ मैं क्यों करूँ, लाइक इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब शैम्पू करने के बाद इसमें कंडीशनर भी ऐड कर देता है फेनुग्रीक सीड, सो आपको कंडीशनर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ गाइस, आप देख सकते हो बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिज फ्री हो गया है, एंड डिटेंगल मैंने इसको कर लिया है। एंड नाउ इसमें आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी आ गया है। एंड नाउ गाइस, आपको इस मास्क को अप्लाई करने के बाद फर्स्ट वीक से ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिसाइड्स बिलो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।